अस्सलाम लेक्चर नंबर 3 पार्ट 2 अभी मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे और सबसे पहले 16.1 देखिए पेज नंबर 3 अंडर 17 16.1 देखो क्या लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ प्लस 2.5 माइक्रो कूलम चार्ज ठीक है चार्ज है जिसका अमाउंट है 2.5 माइक्रो कूलम फ्रॉम ए टू बी और पॉइंट ए से पॉइंट बी को चार्ज ट्रैवल करता है इफ ए इज एट अ पोटेंशियल ऑफ -60 वोल्ट अगर पॉइंट ए का पोटेंशियल जो है -60 वोल्ट हो एंड बी इज एट +10 वोल्ट और पॉइंट बी का पोटेंशियल +10 वोल्ट है तो क्या कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क तो देखो यहाँ पर हमें अमाउंट ऑफ वर्क का काम करने कह रहे हैं जो 2 पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है और हमें चार्ज दिया हुआ +2.5 माइक्रो कूलम तो देखिए यहाँ पर मैंने डाटा बनाया हुआ है क्यू कितना दिया हुआ चार्ज +2.5 माइक्रो कूलम ठीक है तो प्लस यानी कि इससे पता चलता है कि चार्ज जो है पॉजिटिव है ठीक है तो 2.5 तो इससे प्लस शो करने की जरूरत नहीं है तो 2.5 और माइक्रो माइक्रो की जो वैल्यू जो प्रीफिक्स है जो फैक्टर है वो क्या होता है एक्सप्लेन -6 10^-6 तो माइक्रो को रिमूव करके माइक्रो को रिप्लेस हमने मैंने किससे कर दिया 10^-6 से तो देखो माइक्रो कूलम किस में चेंज कन्वर्ट हो गया कूलम में 2.5 एक्सप्लेन -6 कूलम अब देखो पॉइंट ए यानी पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो -60 वोल्ट है और पॉइंट बी का पोटेंशियल जो +10 वोल्ट है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह निकालते हैं हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को माइनस करते हैं हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो वो जो डिफरेंस आएगा उसी जो पोटेंशियल के डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर ये बी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज है जो क्या करेगा बी बी माइनस बी ए हायर देखो पॉइंट बी का जो पोटेंशियल वो हायर है क्योंकि प्लस है और पॉइंट ए का पोटेंशियल जो है लोअर है क्योंकि नेगेटिव है तो प्लस यानी कि हायर माइनस लोअर तो देखो पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया प्लस 10 वोल्ट नेगेटिव साइन और पॉइंट ए का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया -60 वोल्ट जिसको मैंने ब्रैकेट में पुट किया अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा ठीक है और प्लस हो जाएगा तो देखो यहाँ पे 10 वोल्ट प्लस 60 वोल्ट कितना हो जाएगा 70 वोल्ट तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया 70 वोल्ट देखो माइनस माइनस प्लस प्लस होगा 60 में से 10 वोल्ट को 60 में 10 वोल्ट को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 70 वोल्ट तो ये जो 70 वोल्ट निकला ये पोटेंशियल डिफरेंस निकला वोल्टेज निकला अब हमें जो मालूम करने को कहा गया वो हम कैलकुलेट या अमाउंट ऑफ वर्क यानी वर्क डन मालूम करने को कहा गया तो जब भी मालूम करने रिक्वायर्ड है तो फार्मूला कौन सा यूज होगा पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q वर्क डन बाय रिचार्ज यही फार्मूला यूज करना है तो जब भी मालूम करते हैं लेकिन क्यों को शिफ्ट करके क्यों यहाँ डिवाइड करें शिफ्ट करेंगे तो ये बी के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन गया बी मल्टीप्लाई क्यू बी मल्टीप्लाई क्यू तो क्यों जब भी पहले नहीं जब वैल्यू पुट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 70 वोल्ट दिया हुआ तो बी की जगह 70 पुट करेंगे मल्टीप्लाई और चार्ज कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखो 2.5 एक्सपोनेंट -6 तो क्यू की जगह क्यू की वैल्यू पुट करेंगे 2.5 एक्सपोनेंट -6 अब 70 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 175 और एक्सपोनेंट -6 ऐसे ही लिख देंगे अब इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे तो देखो पॉइंट कहां है बिल्कुल लास्ट में तो इस पॉइंट को शिफ्ट करके हम 1 से पहले लेकर आएंगे तो जब शिफ्ट करेंगे तो 1.7 एक्सपोनेंट +2 क्योंकि पॉइंट ने कितने डिजिट्स को क्रॉस किया 2 और पॉइंट राइट हैंड साइड से शिफ्ट हुआ जैसे +2 अब देखिए यहां पे 10 +2 और 10 -6 से प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -4 तो वर्क डन कितना निकला 1.75 एक्सपोनेंट -4 जूल ये वर्क डन ठीक है तो ये 16.1 था अब आते हैं 16.2 देखिए बेटा तो 16.2 में देखो क्या देखा बहुत ही आसान तरीके से फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने को कहा गया वोल्टेज इफ इट ऑफर्स अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओमेगा कह रहा रेजिस्टेंस अगर उसका 5 ओमेगा है कैपिटल आर 5 ओमेगा दिया हुआ है और टेक द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एज 5 एम्पीयर और से करंट कितना फ्लो हो रहा है 5 एम्पीयर तो देखिए हमें क्या गिवन है 16.2 हमें गिवन है रेजिस्टेंस 5 ओमेगा और इलेक्ट्रिक करंट हमें गिवन है 5 एम्पीयर रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम करना है तो अभी जो भी मैंने रिसेंटली यानी पार्ट 1 में जो ओम्स लॉ को यूज करते फार्मूला ड्राइवर से किसी पर आया वही फार्मूला यूज करेंगे तो आई की जगह 5 पुट करेंगे आर की जगह 5 पुट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 25 वॉट ठीक है बेटा तो यहीं पर उसको एंड करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लगाते हैं ओके अल्लाह हाफिज़।